मॉर्निंग में जब मैं अपने घर पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इंसान अपनी गलतियों से और लोगों को भी सिखा सकता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि मुझसे क्या गलती हो गई जिससे आप ध्यान रखें और आपके साथ वो गलती ना हो। तो क्या होता है कि एक्चुअली मैं मॉर्निंग में अपने घर पे वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, और अपने ऑफिस में आके जब मुझे टाइम मिलता है तो उसको थोड़ी सी एडिट करके और इंटरनेट पे अपलोड कर देता हूँ। बिकॉज मेरे घर का इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो बंद पड़ा है एक दो दिन से, तो बेसिकली वैसे भी मैं ऑफिस में ही अपलोड करता हूँ ताकि वो साइड बाय साइड अपलोड होती रहती है और मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो आज मैं जब घर पे वीडियो बना रहा था तो क्या हुआ, मैंने आज दो टॉपिक कवर करने थे। एक तो मुझे एक पॉइंट बताना था आप लोगों को कि जिससे आप अपना अकाउंट सस्पेंड होने से बचा सकते हैं, दूसरा मैं आपको अपनी पेड सर्विसेज के बारे में बता रहा था। तो क्या हुआ, जब मैं वीडियो बना रहा था तो अभी तो मैं ये वीडियो फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, तो सुबह वाली वीडियो मैं बैक कैमरे से बना रहा था, और मैंने क्या गलती करी, जो अगर कोई और यूट्यूबर है, कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा है या कोई नया यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ये गलती कभी भी मत करना। मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने अपने फोन की मेमोरी नहीं चेक करी इसके अंदर कितनी मेमोरी है, क्योंकि मैं काफी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो वो मेमोरी फुल होती गई। उसमें क्या हुआ, मेरी वीडियो का आधा पार्ट बना, आधा पार्ट नहीं बना, जिसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई। लाइक वो डेढ़ लगा लीजिए 50 मिनट तक की वीडियो थी, मैंने 45 मिनट तक भी कैमरे के आगे बोला और बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, लेकिन क्या करूं, अब हो गया, कुछ कर भी नहीं सकता उसको। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस टॉपिक पे दोबारा से बोलूं। तो आधी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ये कवर हुआ है कि आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचाएं। तो आगे जो वीडियो आप देखेंगे इसमें वही है कि आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचाएं, और जो मेरी पेड सर्विस वाली वीडियो थी, अब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अपने ऑफिस में दोबारा बनाऊंगा, नहीं तो कल सुबह बनाऊंगा, आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मेरी आगे की वीडियो। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स शेयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था अपनी पिछली कुछ वीडियोस में, और आप लोगों के पूछने पे भी मैं ये रिप्लाई देता हूं कि मैं 2-4-5 सेलर्स की पर्सनली हेल्प करता हूं ताकि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस ठीक से कर सके, या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं मतलब पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं की प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकालता हूं और उनको समझाता हूं कि वो काम कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास पिछले 4-5 सेलर्स थे जिनके साथ मैं बिजी था, इसलिए मैं कुछ और नए सेलर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। ओके, तो मैं उन 4-5 सेलर्स में से 2 सेलर ऐसे थे जिनकी बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जुलाई में GST आया था, जिसकी वजह से काफी सारे सेलर्स ऑनलाइन काम छोड़ के चले गए थे या अपना GST बनवाने में बिजी हो गए थे, तो वो बाद में आएंगे या अब वापस आ रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ था, काफी सारे ऑनलाइन सेलर जो थे वो ऑनलाइन सेलिंग उन्होंने रोक दी थी कुछ टाइम के लिए। तो उसमें से कुछ सेलर्स ऐसे थे जिन्होंने पहले से GST के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उनका GST जो है प्रोविजनल बोल दीजिए या परमानेंट GST उनका आ गया था, तो उन्होंने अपनी सेलिंग बंद नहीं करी थी। तो क्या हुआ था, उन सेलर्स में से मेरे पास जो 2 सेलर्स ऐसे थे, और भी ऐसे सेलर्स होंगे तो मेरे को 2 सेलर्स के बारे में पता है, मैं आपको बता रहा हूँ उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। उन्होंने क्या किया कि जैसे काफी सारे सेलर्स चले गए ऑनलाइन तो उनकी सेल बढ़ गई, ठीक है, उनके ऑर्डर्स ज्यादा आने लगे। तो एक्चुअली क्या कर रखा था, उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे थे, उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट उनके पास होते भी नहीं थे, वो मार्केट में से लाकर सेल बेचा करते थे। लाइक ऑर्डर आया तो मार्केट से लेकर आए और अगले दिन भेज दिया, 1 या 2 दिन का डिले करके चलते थे वो। तो ऐसे में क्या हुआ उनके साथ, उनको काफी सारे ऑर्डर्स आए तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के भी ऑर्डर आ गए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, या उनके पास काफी पहले से खत्म हुए पड़े थे, या उन्होंने वैसे ही 1-2 पीस लाए थे लेकिन वो बिक गए, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने क्वांटिटी 5, 10, 15, 20 लिख रखा था। तो उससे क्या हुआ, उनके ऑर्डर्स तो बहुत सारे आ गए लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ गए जो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो इस केस में क्या करेगा, अगर आप भी एक सेलर होंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे 1 या 2 ऑर्डर हुआ तो कोशिश करेंगे चलिए जी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन 20-20, 25-25, 30-30 ऑर्डर आपके पास ऐसे हो तो आप क्या करेंगे, आप तो जल्दी से मार्केट भागेंगे और लेकर आएंगे। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो मार्केट गए और वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मिले कुछ नहीं मिले, जो मिले वो काफी कॉस्टली मिले क्योंकि GST की वजह से लोकल दुकानदारों ने ये फायदा उठा लिया था कि कई प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा दिया था, क्योंकि न्यूज में और कई जगहों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग GST, प्री GST सेल में माल सस्ता बेच रहे हैं, वो सब बेकार की बातें थी, जो होलसेलर थे दुकानदार थे
वो तो जीएसटी के चक्कर में कह रहे थे कि अब तो माल ही नहीं आएगा चाइना से, यही है यही बेचना है हमने, तो ये अब यही रेट है, तो लेना है तो लो नहीं तो मत लो, उनके जो लैंग्वेज थी वो ये हो गई थी। तो इस केस में क्या हुआ, जो सेलर्स थे उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्या करें कुछ सामान तो मिला ही नहीं, और जो मिल रहा है वो काफी महंगा मिल रहा है कि बेच के तो वैसे ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या हो गया, उनका जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर उनको कैंसिल करने पड़े। ठीक है, तो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट हाई हो गया तो अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा हो गया। तो मैं आपको इस अपनी बात से ये समझाना चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिए, अगर आप 3 या 4 या 5 पीस मार्केट से कोई भी एक प्रोडक्ट, लाइक कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे कि ये वॉच है, ये आप बेचते हैं, तो अगर आप 3 पीसेज या 4 पीसेज लाते हैं तो अपनी इन्वेंट्री में भी ऑनलाइन 3 पीसेज या 4 पीसेज ही लिखें, जब खत्म हो जाए तो दोबारा ले आएं। अगर आप उसको 3 या 4 पीसेज लाते हैं या 5 लाते हैं या 10 लाते हैं और लिखते 11, 12, 15, 20 है, उससे अगर आपको लगता है कि 100% श्योर अगले दिन आप मार्केट जाके वो प्रोडक्ट ला सकते हैं तो आप जितना मर्जी लिख लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है 1% भी कि वो प्रोडक्ट मार्केट में दोबारा नहीं मिलेगा आपको, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कितना बुरा लगता है ये सिर्फ वही जान सकता है जो ऑनलाइन सेलिंग करता है, जिसने अभी सेलिंग शुरू नहीं करी उसको नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को मैं ये बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, इस बात को समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट है वही इन्वेंट्री लिखिए, कोशिश कीजिए फालतू की इन्वेंट्री मत लिखिए, उससे क्या होगा आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा, और उससे आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट जिसका जहां भी आप सेल कर रहे हैं उसका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इसका ऐसा हो जाए अगर, उसके बाद क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक बड़ी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बस अभी इतना गाइड किया है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी लिस्टिंग मत कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि कई बार जो प्रोडक्ट नहीं होता वो सेल हो जाता है और वो बाद में मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, होता है तो ज्यादा प्राइस पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा करने से बचें और अपने अकाउंट को सेफ रखें। तो अकाउंट सेफ्टी के लिए तो इतना ही, तो जो मेरे पास 2 सेलर थे उनको मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी थी जिससे उनका अकाउंट लेवल पे आ गया है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही सेफ हो गया, लेकिन हाँ लेवल पे आ गया, सस्पेंड होने से बच गया है। ठीक है, तो आप भी कोई ऐसी गलती ना करें। तो अभी तक ये टिप्स और ट्रिक्स था, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मैं अपनी पेड सर्विस शुरू करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करते हैं पेड सर्विस के बारे में।